आखिर आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने ये क्यों कहा कि अरविंद केजरीवाल ने वही किया जो परिवार का मुखिया करता? इसका जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा धवन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी के साथ दिवाली के दिन मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के परिवार से मिलने के लिए उनके घर गए थे। आप जानते हैं कि संजय सिंह और मनीष सिसोदिया दोनों ही इस वक्त कथित शराब घोटाले मामले में जेल में बंद हैं। मनीष सिसोदिया की एक तस्वीर भी आई थी, दिवाली से पहले वो अपने बीमार पत्नी से मिलने के लिए पुलिस की निगरानी में घर आए थे और एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने भी सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। खैर, लेकिन यहाँ बात हो रही है अरविंद केजरीवाल की, जब वो अपनी पत्नी के साथ इन दोनों परिवारों से मिलने के लिए पहुँचे, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने वही किया जो एक परिवार के मुखिया को करना चाहिए, जो एक परिवार का मुखिया करता। मुश्किल वक्त में परिवार को ढांढस बंधाने के लिए अरविंद केजरीवाल दोनों परिवारों से मिलने के लिए गए थे। वो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, तो अब आपको सुनाते हैं सोमनाथ भारती का वो पूरा बयान जिसमें वो बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल परिवार के मुखिया हैं और उन्होंने अपनी ये जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। देखिए, परिवार के मुखिया हैं और परिवार के मुखिया के नाते वो अपने साथियों के परिवार से मिलने आए, और एक सच्चे नेता का, सच्चे साथी का यही खासियत है कि जो अरविंद जी ने अभी करके दिखाया। परिवार के पास गए, बैठे, उनकी चिंताएं सुनी, उनको धाड़स दिया। ये यही एक अच्छे परिवार के साथी का परिचय है, अच्छे पार्टी के मुखिया का परिचय है। और मुझे लगता है कि अरविंद जी ने वही किया जो कि कोई भी परिवार का मुखिया करता। तो अरविंद केजरीवाल न सिर्फ दिल्ली के मुखिया हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, बल्कि अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी के भी राष्ट्रीय संयोजक हैं और उनकी पार्टी के तमाम नेता उन्हें परिवार का मुखिया ही मानता है, ऐसा सोमनाथ भारती कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जब दोनों परिवारों से मिले, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के परिवार से मिले, उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते हुए एक पोस्ट लिखा और उस पोस्ट में उन्होंने आखिर में लिखा कि सत्य की जीत होगी। बताते हैं अरविंद केजरीवाल ने क्या लिखा। अरविंद केजरीवाल ने लिखा, आज दीपावली के अवसर पर मनीष जी और संजय जी के घर जाकर उनके परिवार से मिलकर त्योहार की खुशियां बांटी। वक्त चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, हम सब परिवार एकजुट हैं, एक साथ हैं। हम सब सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और अंत में जीत सत्य की ही होगी। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिवाली के दिन परिवार के साथ मिलकर त्योहार की खुशियां बांटी और हम सब सत्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और आखिर में सत्य की ही जीत होगी। फिलहाल दोनों परिवारों से जब अरविंद केजरीवाल मिले तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होती हुई नजर आई और अरविंद केजरीवाल की ओर से जो ये सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया उसके लोग अलग अलग सियासी मायने भी निकाल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सोमनाथ भारती ने कहा कि अरविंद केजरीवाल परिवार के मुखिया हैं और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए दोनों परिवार के लोगों से मुलाकात की, उनको मुश्किल वक्त में ढांढस बंधाया, इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।